how to install Vicon Cell on your computer. So let's start the video. Okay, so open any browser on your computer. Here I'm opening a Google Chrome. Type www.python.org on the search box. And you will get this page and click here only. Okay, welcome to जो python.org लिखा है यहीं पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है. यहाँ पे आप लोग क्लिक करिए. When you click on here, it will take you to the site where we can insert, where you can download the Python cell. Now you can see here. Don't click here in the download, just scroll down and you can see a download option here. Python source code and installer are available for download for all version. Okay, to click on here, Python 3.8.3. Yahan pe aap logo click karna, this is the latest version. And स्क्रोल डाउन क्या करना है आपको, ये दिखा रहा है यहाँ पे बहुत सारे पाइथन का हमारा जो डिफरेंट वर्जन होगा डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है. स्क्रोल डाउन एंड कम टू दिस पोजिशन वेर यू कैन सी डिफरेंट विंडोज, लाइक यू कैन सी हियर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एंड क्लिक हियर इन विंडोज x86-64 executable installer. ये Windows के लिए, ये हमारा 64-bit के लिए है, ठीक है. और आप यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है. जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा. अगर आपका सिस्टम 64-bit का है तो इसको क्लिक करिए. अगर आपका, ये याद रखिए, इसे लिंक पे ही क्लिक करना है. अगर आपका सिस्टम 64-bit का नहीं 32-bit का है तो आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है विंडो x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर. ये क्या, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर में ही क्लिक करना है आप लोग को, ठीक है. इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे, बस हम लोग को क्लिक करना है. क्लिक करने से वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब वो डाउनलोड हो जाएगा. डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ओपन करेंगे और क्या करेंगे, ओपन करके नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में. तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है. तो मैं यहाँ ओपन, तो वो क्या हो जाएगा, पाइथन का मेरा 2.7 का है, वहाँ पे 3.8 का है. तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको क्या ओपन करना है, आपको आइडियली वाला सॉफ्टवेयर ओपन करना है, कंटेन ओपन करना है. आइडियली पाइथन GUI इसी को ही ओपन करना है. ओके, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका आएगा, आपका पाइथन सेल. ये क्या मोड में है, ये आपका है इंटरैक्टिव मोड में है, ठीक है. ये जो ओपन हुआ है सेल, ये ऑलरेडी इंटरैक्टिव मोड में है. हम लोग को क्या करना है, इंटरैक्टिव मोड में नहीं करना है. एक्चुअली उसके दो मोड्स होते हैं, इंटरैक्टिव मोड एंड डिस्क्रिप्शन मोड. ओके, तो हम लोग को इंटरैक्टिव मोड में नहीं करके डिस्क्रिप्शन मोड में करना है. क्यों करना है और क्या होता है वो दो मोड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा जो थ्योरी क्लासेस होगा विथ प्रैक्टिकल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो इंटरैक्टिव से स्क्रिप्ट मोड के लिए जाने के लिए हम लोग को क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन फाइल, देन न्यू फाइल में हम लोग को क्लिक करना है. तो ये जो आया, ये आया अभी हमारा क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम कोड को लिखेंगे, जो आउटपुट होगा हमारा ये सेल में वो आउटपुट शो करेगा, ठीक है. सो दैट फॉर टुडे दिस इज ऑल. सो यू कैन डाउनलोड दिस पाइथन सेल ऑन योर कंप्यूटर एंड यू कैन डू द प्रैक्टिकल एंड कैन फॉलो माई वीडियो सो दैट यू कैन गेट मोर कंटेंट अबाउट पाइथन.